मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पायनियर कोचिंग बेतिया के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर, फिर फिजिकल केमिस्ट्री 11th का और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसी पर चर्चा होगी। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एनोड एरे एक्सपेरिमेंट, कैथोड एरे एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था और ये बताया था कि एनोड एरे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की खोज हुई थी, कैथोड एरे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी और फिर जेम्स चैडविक ने कैसे बेरिलियम धातु पर हीलियम यानी कि अल्फा कण का प्रहार करा के कैसे 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, इन सभी बातों पर पहले चर्चा हो चुकी है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मौलिक कण तीन हैं जो किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। पहला हो गया आपका प्रोटॉन, सेकेंड हो गया इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड आपका फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की चर्चा की थी और इन सबों का एक कंपैरिजन किया था मैंने, इनके रिलेटिव चार्ज के बारे में, इनके रिलेटिव मास के बारे में, इनके एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में, इनका कब डिस्कवरी हुआ, किसने किया, ये सब आपकी चर्चा हुई थी। तो इतना तो आप जान चुके हैं कि किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि किसी भी एटम में ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनका पोजीशन क्या है, इनका स्थान क्या है, ये कहाँ रहते हैं और ये कौन इसमें स्टेशनरी पोजीशन में है और कौन इसमें मूवेबल होता है, ये सारी बात अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सबों का जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इन सबों का जो पोजीशन होता है किसी एटम में, तो इस बारे में बहुत ही शुरू में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना थ्योरी दिया, अपना अपना मॉडल दिया। इतना तो तय हो गया कि किसी भी एटम में ये तीन जो आपको पार्टिकल लिखे हुए हैं ये तीनों पार्टिकल होते हैं। अब इन तीनों पार्टिकल का पोजीशन और फिर उनके जो कैरेक्टर हैं, उनमें जो रिलेशन है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स हैं, इन सबों को ध्यान में रखते हुए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना एटमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एटमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तो ये देखें कि एटम्स बने किन किन फंडामेंटल पार्टिकल से होते हैं और उन पार्टिकल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका पोजीशन एटम में क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत सारे मॉडल, एटमिक मॉडल दिए गए हैं एटम के बारे में। जैसे आपको एक मॉडल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको जॉन डाल्टन का मॉडल आया था, जॉन डाल्टन का मॉडल आया था। जो कि 1808 ईस्वी में आया था, 1808। सबसे पहले जो एटमिक थ्योरी, एटमिक मॉडल दिए हुए थे जॉन डाल्टन और इनका जो मॉडल था जॉन डाल्टन्स का वो 1808 में आया था। फिर ये मॉडल जो है ये फ्लॉप कर गया, इसमें बहुत सारा डिमेरिट था, बहुत सारी कमियां थी, ड्रॉबैक थे, तो इनका ये जो मॉडल है वो भी आपको फ्लॉप कर गया। उसके बाद फिर एक दूसरा मॉडल आया जीजे थॉमसन का, जीजे थॉमसन का मॉडल आया। जो कि 1904 ईस्वी में आया था, 1904 में। फिर इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बहुत सारी कमियां थी,
ये मॉडल भी फ्लॉप कर गया, इसका इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आपको फिर आया ये रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स एटमिक मॉडल आया, जो आपको 1911 में आया था, 1911 ईस्वी में। इसमें भी वो सारी कमियां थी, ये इसका भी रिएक्शन कर दिया गया। और इनके रिएक्शन के जस्ट बाद आया आपको बोर्स एटमिक थ्योरी, जो कि 1912 में आया था, 1912 में। और फिर बाद में जो फाइनली लेटेस्ट जो मॉडल आया वो था आपका क्वांटम मैकेनिक्स एटमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सबसे पहला जो मॉडल आया एटम के बारे में जो थ्योरी दिए वो थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में एक मॉडल लिया, लेकिन कुछ कारणों से उनका जो मॉडल है वो फ्लॉप कर गया। उसके बाद आया जे.जे. थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था कैथोड एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उन्होंने 1904 में एक थ्योरी अपना दिया। फिर उसके बाद में ये भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर अदर फोर्स का एटमिक मॉडल आया 1911 ईस्वी में, और इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बाद बोर्स का एटमिक मॉडल आया 1912 ईस्वी में, और लेट आपको अल्टीमेटली लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल एटमिक मॉडल आया, जो कि आपको 1926 ईस्वी में आया। तो ये सारे मॉडल दिए गए एटम के बारे में। अब हम लोग बारी बारी से इन जो मॉडल्स हैं इन मॉडल्स का स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आखिर उन्हें क्या कमी रह गई, जॉन डाल्टन का मॉडल क्या था और जॉन डाल्टन के मॉडल में क्या कमी रह गई कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर दूसरा जो है थ्योरी आया जे.जे. थॉमसन का। तो ये सब मॉडल्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का मॉडल, जो कि 1808 में आया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जॉन डाल्टन के एटमिक मॉडल से। आइए देखते हैं कि जॉन डाल्टन का एटमिक मॉडल एटमिक थ्योरी क्या कहता है। डाल्टन थ्योरी, ये जो है डाल्टन का जो थ्योरी है ये परमाणु के अविभाज्यता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप मैं बोल रहा हूं और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए। जॉन डाल्टन का जो एटमिक थ्योरी है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूं। तो पहली बात जो इन्होंने एटम के बारे में बताया डाल्टन ने, वो जो पहला पॉइंट था वो ये था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी मैटर का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ये जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ये किसका कहना था? जॉन डाल्टन का कहना था। तो इनका जो थ्योरी है पहला वो है कि परमाणु, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, परमाणु किसी पदार्थ के, परमाणु किसी पदार्थ के सबसे
छोटे कण होते हैं। पहली बात जो डॉल्टन ने एटम के बारे में कहा, क्या कहा? कि परमाणु किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल्स। जब ये सबसे छोटा कण है तो फिर ये और डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी परमाणु जो होते हैं वे अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य इंडिविजिबल होते हैं। देखिए दूसरी बात जो उन्होंने अपने थ्योरी में कही, क्या कही, कि परमाणु अविभाज्य होते हैं यानी इंडिविजिबल होते हैं। फिर तीसरी बात इन्होंने क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अविभाजन नहीं हो सकता है, परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्टिकल्स। फिर तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि परमाणु सरल अनुपात में मिलकर, परमाणु सरल अनुपात में मिलकर परमाणु सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। फिर इनके थ्योरी का चौथी बात देखिए, चौथी बात इन्होंने क्या कही, चौथी बात इन्होंने कही कि परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। फिर इनका कहना था, यानी इनके पांचवा पॉइंट हो गया इनके थ्योरी का, कि किसी तत्व के, किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान गुण वाले होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान गुण वाले होते हैं। और लास्टली उन्होंने कहा कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग गुण वाले होते हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं डाल्टन थ्योरी की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं। तो पहली बात जो उन्होंने कही कि परमाणु किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं, यानी परमाणु अविभाज्य होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, परमाणु सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, किसी तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान गुण वाले होते हैं, और अलग अलग तत्व के परमाणु
अलग अलग गुण वाले होते हैं। तो ये जो आप देखे यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं, ये डाल्टन के थ्योरी की प्रमुख बातें थी। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जॉन डाल्टन का जो ये थ्योरी था इसका रिएक्शन क्यों हुआ, क्यों जॉन डाल्टन के थ्योरी को डब नहीं किया गया, क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया गया और यानी क्यों वो फ्लॉप हो गया। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि इनमें क्या क्या कमी रह गई थी। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कह रहा है कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और उसी के साथ आप कह सकते हैं कि लगभग वही बात सेकेंड पॉइंट में भी है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और वह अविभाज्य होता है। बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए ये तो डाल्टन का कहना था, लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए, बाद में जो डिस्कवरी हुई, उन डिस्कवरी से ये पता चला कि ऐसी बात नहीं है कि परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु का भी निर्माण होता है और परमाणु के भी छोटे छोटे कणों से निर्माण होता है। परमाणु का जो बनावट है, परमाणु की जो संरचना है, वह भी बहुत सारे कणों से मिलकर बने होती है। परमाणु बना होता है, बहुत सारे कणों का उसमें योगदान होता है। किसी परमाणु में बहुत सारे कण होते हैं, जबकि डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, वो अविभाज्य है। तो जब सबसे छोटा कण है तो फिर उसमें कण कहाँ से आया, जबकि बाद में मिला उसमें प्रोटॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, पॉजिटिव मेसॉन मिला, निगेटिव मेसॉन मिला, न्यूट्रॉनो मिला, पॉजिट्रॉन मिला, बहुत सारे पार्टिकल्स मिले। तो इसका मतलब जो बाद का रिसर्चेज हुए, बाद के रिसर्चेज हुए, बाद के खोज हुए, उसमें ये बात पता चला बाद के एक्सपेरिमेंट से कि परमाणु जो है वह सबसे छोटा कण नहीं होता है। एन एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। और परमाणु जो इंडिविजिबिलिटी की बात थी, इंडिविजिबल भी नहीं होता है, यानी परमाणु का भी छोटे छोटे कणों से निर्माण होता है। ये बात के रिसर्च बतलाए, बात के अनुसंधान से इन बातों का पता चला। तो उनका ये जो थ्योरी के दो बात थी, ये बात तो उनका रिजेक्ट हो गया, फ्लॉप हो गया, गलत साबित हो ही गया। अब आते हैं तीन नंबर पे। तीन नंबर क्या कहता है, तीन नंबर कहता है कि परमाणु सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या एक है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वह है 1:2, यानी आपके नजर में यह सरल अनुपात है। लेकिन बहुत सारे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए H2O है, इसमें भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है जो सरल अनुपात में है। तो आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, वाटर में देखें कि परमाणुओं की जो संख्या है वो एक सरल अनुपात में है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें परमाणु सरल अनुपात में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे आयरन का एक ऑक्साइड होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं FeO। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप देखेंगे लिखा रहता है FeO। और जब फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला हम लोग देखें तो फॉर्मूला देख के ये पता चलता है कि इसमें आयरन का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ भी आपके देखने में, आपकी नज़र में आयरन और ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं वे सरल अनुपात में हैं,
उनमें जो कॉम्बिनेशन हुआ है, संयोग हुआ है, सरल अनुपात में हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं होती है। इसमें आयरन का जो एटम है, आयरन का एक एटम नहीं होता है, इसमें आयरन का एटम 0.98 होता है। देखिए, अगर फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा जाए तो उसका जो एब्सोल्युटली राइट फॉर्मूला होता है वो होता है Fe 0.98। यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि फेरस ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का के एटम का जो रेशियो है वो 0.98:1 है। यही रेशियो है आपको फेरस ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में। बताइए तो ये सरल अनुपात में है? बिल्कुल नहीं। तो जॉन डाल्टन क्या कहते हैं कि परमाणु हमेशा सरल अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। चलिए, कुछ यौगिकों के साथ, कुछ अणुओं के साथ उनका ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखें कि फेरस ऑक्साइड में जो आयरन और ऑक्सीजन के एटम की संख्या है वो उसमें अनुपात 1:1 का नहीं है, उसमें अनुपात है 0.98:1 का। यह सरल अनुपात नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में आप देखिए कि उनका जो ये तीसरा सिद्धांत था, तीसरी बात थी एटम के बारे में, ये आपका गलत हो गया। तो ये तीसरा जो बात था वो अभी रिजेक्ट कर दिया गया। अब आते हैं इनके चौथे पॉइंट पर। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, लेकिन बाद में जो रेडियो एक्टिव टेक्निक है रेडियो एक्टिव टेक्निक देखिए, रेडियो एक्टिव टेक्निक के द्वारा बहुत सारे एटम बनाए भी गए हैं और बहुत सारे एटम को डिस्ट्रॉय भी किया गया है, तोड़ा भी गया है। ये कह रहे हैं कि परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे एटम्स रेडियो एक्टिव टेक्निक के द्वारा बनाए गए और बहुत सारे एटम्स रेडियो एक्टिव टेक्निक के द्वारा नष्ट किए गए। यानी परमाणु का निर्माण भी हो सकता है और परमाणु का विनाश भी हो सकता है। तो फिर इसका मतलब इनका ये जो थ्योरी था इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उनका ये थ्योरी जो है ये भी ये पॉइंट में उनका फ्लॉप हो गया, गलत साबित हो गया। अब आते हैं उनके पांचवे पॉइंट पर। अब उनका पांचवा पॉइंट के थ्योरी का क्या है कि किसी तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान गुण वाले होते हैं। अब बताइए, पिछले वीडियोज में, पिछले क्लासेस में मैंने आपको समस्थानिक और संभारिक पढ़ाया था। समस्थानिक में क्या था? समस्थानिक में था कि हाइड्रोजन के ही कुछ परमाणुओं का भार होता है 1, कुछ परमाणुओं का भार होता है 2 और कुछ परमाणुओं का भार होता है 3। तो हम देख रहे हैं कि एक ही परमाणु है, हाइड्रोजन के ही एटम है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम में ही किसी का भार है 1, किसी का 2, किसी का 3। ये प्रोटियम में 1 होता है, ड्यूटेरियम में 2 होता है, ट्रिटियम में 3 होता है। तो अब बताइए, यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु हर तरीके से समान गुण वाले होते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एक ही तत्व के परमाणु है लेकिन ये समान गुण वाले नहीं है। इनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग है। इन्हीं को हम लोग क्या कहे थे? समस्थानिक कहे थे। तो
इनका ये जो आपको पांचवा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया, गलत साबित हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जॉन डाल्टन का ये जो पॉइंट है एटमिक थ्योरी का, एक एक करके वो गलत साबित होता गया। अब आपका आपका ये जो सिक्स पॉइंट है लास्ट, उसको देखा जाए। अब इनका जो छठा पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, वो कहता है कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग गुण वाले होते हैं। लेकिन हम लोग देखे थे संभारित में कार्बन के कुछ एटम का वेट होता है 14 और नाइट्रोजन के एटम का भी वेट होता है 14। देखिए तो ये अलग अलग तत्व के परमाणु है या समान तत्व के, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ दोनों जो एटम है वो अलग अलग एलिमेंट के हैं। एक एटम है कार्बन का, दूसरा एटम है नाइट्रोजन का। लेकिन देखिए तो इनमें इनका जो मास है वो समान है कि नहीं, है ना? तो ये जो कह रहे हैं कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग गुण वाले होते हैं, ये गलत यहाँ इस केस में हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनमें उनका ये जो सिक्स पॉइंट है वो गलत साबित हो गया। तो वो जो अपना एक आप देखें इस तरह से कि डाल्टन थ्योरी की जो बहुत सारी बातें थी, जॉन डाल्टन ने जो अपना थ्योरी प्रस्तुत किया था उसमें कई खामियां थी, कई कमियां थी, और इन्हीं कमियों के कारण डाल्टन का ये जो एटमिक मॉडल है, एटमिक थ्योरी है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। तो बच्चों समझते हैं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जे.जे. थॉमसन का एटमिक मॉडल। जे.जे. थॉमसन का एटमिक मॉडल पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन का एटमिक थ्योरी और इनके एटमिक थ्योरी के रिजेक्शन के क्या कारण थे, उसके फ्लॉप होने के क्या कारण थे। और अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे जे.जे. थॉमसन का एटमिक थ्योरी। ओके, थैंक यू।